सर्वे सेवा संस्थान और विधिक सेवा प्राधिकरण ने सिंगरौली में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जहां मानव अधिकारों को लेकर जागरूकता लाने की बात कही गई। विंध्यनगर एनटीपीसी मित्र सभागार में मानव के विकास में मानव अधिकार की भूमिका विषय पर कार्यशाला एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में मुख्य अतिथि अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश सुनील कुमार चौहान, संस्था के संरक्षक सदस्य राम अशोक शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। राम अशोक शर्मा ने कहा कि सन 1948 में संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा मानव अधिकार को अपनाया गया और इसे लागू किया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मानवाधिकार पर कार्य किया, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं, वंचित वर्गों और सभी के लिए समान अधिकार हैं। मुख्य अतिथि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार चौहान ने कहा कि आज मानव के विकास के लिए मुख्य जो बातें हैं, उन्हें प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि उसने कितना परोपकार किया, कितनी सजगता से अपने कार्य में लग्नशील हैं और उनके अंदर ईर्ष्या की भावना तो नहीं है। अगर प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन इन भावनाओं को समझता है तो निश्चित ही वो मानव के विकास के लिए कार्य कर रहा है। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां, और मानव विकास एक बड़ा विषय है। किसी भी मनुष्य के विकास के लिए व्यक्तिगत स्तर पर यदि देखें तो कर्मठता, परोपकार की भावना से कार्य करते हुए, बिना इच्छा भाव के काम करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास प्रत्येक मानव को करना चाहिए, तभी इस दिवस की सार्थकता होगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।